तड़पावे से हाय तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से तेरी आंखियां का यो काजल। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। जी हाँ, एक गाना जो गली कस्बों मोहल्लों से लेकर संपूर्ण देश के साथ विदेशों में भी छाया हुआ है, जिसे पार्टी हो या फिर कोई फंक्शन हो या फिर शादी हो, जहां पर बात आती है हरियाणवी गाने की तो सबसे पहले जो गाना चूज किया जाता है वो होता है थारी आखा कायो काजल। जी हाँ, न्यूज 28 की टीम की एक फैशन शो के दौरान इस गाने के राइटर से मुलाकात हुई, रवि दहिया। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ बात हुई रवि दहिया जी से। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आपका गाना गली कस्बे देश विदेश सब जगह बहुत परिचित है, तो इस गाने की हिस्ट्री क्या है? और ये गाना जैसे ही चलता है हमारे पैर थिरकने अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सर कैसे? मैं बताना चाहूंगा कि मैं गाना खुद लिखता हूँ। जब लिखते हैं हम लोग देख दिल से लिखते हैं, नहीं समझ आता तो दोबारा लिखते हैं। अभी कोई प्रोफेशनल राइटर होता है एक बार लिखकर उसको छोड़ देता है, हम उसमें खामियां ढूंढते रहते हैं और वो लास्ट में एक ऐसा तैयार हो जाता है गाना कि हर शब्द में एक वजन होता है और वो वजन लोगों को पसंद आता है, वो यहाँ से की आवाज और यहाँ तक पहुँच जाती है। जी सर, आगे क्या लाना चाहेंगे आप अपने दर्शकों के लिए, उनका प्यार पाने के लिए? दर्शकों का जो प्यार है, मैं चाहूंगा उनका प्यार यूं ही बना रहे, मैं ऐसे ऐसे गाने उनको देता रहूं, साफ सुथरे नीट एंड क्लीन, जो एक पारिवारिक गाने बोल सकते हैं, वो हर स्टेज पर भी बजे, हर शो में बजे। तो ऐसे ऐसे मैं प्रोजेक्ट्स आगे देना चाहूँगा, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सर। न्यूज़ 28 की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, ऐसे ही ऊँचे मुकामों को हासिल करते रहिए, शुक्रिया।